Hey everyone, welcome back to my channel Infinity Tarot Expert Truth Always Exposes Darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, करेक्ट? तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में ऐसा अवश्य क्या होने वाला है जो काफी विचित्र हो सकता है एंड डेफिनेटली कौन आ सकते हैं आपकी लाइफ में. सो टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस, आपकी जीवन भी किस तरह से होगा इन द फ्यूचर. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. क्योंकि सबको लगता है कि मेरा फ्यूचर जो है वो किस तरह से होगा, कैसा होगा, हाउ विल इट लुक लाइक, हाउ विल इट बी. सो जनरल प्रेडिक्शन है एंड डेफिनेटली इट इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, कभी भी आप देख सकते हो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshanof1369. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में अवश्य क्या होने वाला है जो बिल्कुल विचित्र होगा, काफी अनोखा होगा, और क्या आने वाला है उनके जिंदगी में, कैसा होगा उनके जीवन. आपके आसपास में कोई तालाब हो सकता है जहां पे ना कमल के पत्ते मिलते हैं. ऑब्वियसली कमल तो होगा ही, और उस पत्ते में लोग खाना भी खाते हैं कमल के पत्ते में. या ऐसा हो सकता है कि देयर इज अ लिली पॉन्ड. ओके, सो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है लाइक आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इन फ्यूचर काम करना पड़ेगा, या आप खुद काम करेंगे कंपनी में जहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के लोग होंगे. मतलब वेरी डिफरेंट, वेरी अनयूजुअल, यू कैन से लाइक दैट. मतलब इस तरह से जैसा मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. मतलब दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, दे आर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़, अलग अलग बात करते हैं, ठीक है, और आपको उनके साथ एक ही कॉमन लैंग्वेज, दैट इज़ यू कैन से लाइक आई होप यू कैन सी दिस, आपको एक ही कॉमन लैंग्वेज में शायद दोनों को ही बात करना पड़ेगा. इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. मतलब यू विल लर्न मैनी थिंग्स इन द फ्यूचर. ओके, ऑल राइट. आई डू फील लाइक आई ऑल्सो डू फील लाइक ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा हैंडल करते करते चीज़ें, कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ही आसान बनता रहा, ठीक है. कहीं ना कहीं पे यू विल फील लाइक जो भी आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा हो इन द पास्ट, वो इन द फ्यूचर इट विल बी सो मच ईजियर फॉर यू. यहाँ पे देखो, देर इज़ अ लोटस, देर इज़ अ लिली और अ लोटस, वन ऑफ दैट. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा सपने आपके पूरे होते हुए, काफ़ी ज़्यादा ही वहम या गलत फहमी अगर किसी के लिए भी था वो भी दूर होगा, या जो एक्चुअल ट्रूथ है, जो एक्चुअल है, वो आपको दिखाई देगा. एंड आई ऑल्सो डू फाइंड कुछ चीज़ों से आपको अब पीछा, मतलब छुटकारा आपको मिल जाएगा. इफ़ यू आर ऑप्टिंग लाइक अगर आप नहीं रह पा रहे हैं इन योर करेंट रिलेशनशिप, इन योर मैरिज बहुत खराब रहा जा रहा है, लाइक आप अत्याचार सहते आ रहे हो बहुत दिनों से और आप कोई भी ठोस कदम या डिसीशन नहीं ले पा रहे थे अपने बच्चे के लिए या अपने फ्यूचर के लिए, अपने माता पिता को सोचते हुए या समाज को सोचते हुए, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है देर इज़ अ परफेक्ट एंडिंग टू दैट एंड अ विश कम ट्रू फॉर यू. जैसा भी आप चाहते थे, क्योंकि आप चाहते थे कि सेपरेशन हो जाए, आप चाहते थे कि वो इंसान खुद ब खुद आपसे मूव ऑन कर जाए, तो वो चीज़ होने वाला है. स्पेशली इन केस ऑफ मैरिज, अगर डाइवोर्स आप चाहते थे उसी तरह से. ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है. देखो, देयर इज अ क्राउन. सो बेसिकली आप क्राउन से दो मतलब होता है, एक तो है यू आर गेटिंग सम अवार्ड, सम टाइटल्स, ठीक है, जिस तरह से क्राउन पहनाया जाता है. दूसरा है कि क्राउन चक्र. सो बेसिकली इट लीड्स अस टू द स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड, टू द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअल थिंग्स, टू द वर्ल्ड ऑफ यू कैन से जहाँ पे साइंस स्टॉप हो जाता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का शुरुआत होता है, हेवनली, डिवाइन, पैराडाइज, उस तरह से. यहाँ पे एक कछुआ दिखाई दे रहा है, या देखो यहाँ पे, यस.
सो थिंग्स विल चेंज बट इन अ वेरी स्टेडी मोड. बट वो चेंज तो होगा, बट वो होगा आपके बेहतर जिंदगी के लिए. अगर आप बोल रहे हैं कि फास्ट फास्ट क्यों चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे यही रीज़न है. अगर फास्ट फास्ट चेंज हो जाता है तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों के बारे में आपका बिल्कुल ज्ञान ना हो. यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शुभ कदम किसी का आपके घर में आने वाला है. कोई आपके घर में आने से या आपके बिजनेस प्लेस पर अगर किसी की एंट्री से, हो सकता है कि दूसरे भी कस्टमर्स, दूसरे भी ग्राहक, बहुत सारे ग्राहक आपके पास आए और वो आपके लिए एक लकी कस्टमर साबित हो या लकी पर्सन साबित हो आपके लाइफ में, जिनके आने के बाद शायद आपके भाग्य ही खुल रहे हैं उस तरह से. सो सीक्रेट्स, चाहे बोलो मिस्ट्रीज बोलो, चाहे गुड फॉर्चून बोलो, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट अनलॉक्ड. जो जिसके वजह से यहाँ पे एस लेटर है, एस है, यू है, देखो देयर इज अ क्रैब साइन, कैंसर साइन है यहाँ पे, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो सकता है यहाँ पे, ऐसे सारे साइंस के लिए है. ए और वी एंड सेवन एंड टू थ्री नाइन. सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाते हो बेसिकली व्हेन यू डोंट फाइंड समथिंग सुटेबल, और आप चाहते हो कि किस तरह से सोल्यूशन आ जाए, फटाफट आ जाए, क्विक रेजोल्यूशन उसका हो जाए. सो वही है कि आपकी ज़िंदगी में क्विक रेजोल्यूशन तभी आ पा रहा है जब आप खुद ही उसके ऊपर काम कर रहे हो. और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है मे बी यू टेक अ ओथ, जैसे एक ओथ मतलब एक प्रॉमिस आप ले रहे हो अपने आप से भी और आप जिनके लिए कर रहे हो उनके लिए भी. जैसे आप कमिटेड रहोगे अपने गोल्स में और अपने कर्म में, अपने काम में, अपने माता पिता के प्रति, एंड कभी भी किसी को भी आप नेग्लेक्ट नहीं करने वाले इन द फ्यूचर. कोई भी चीज़ों को आप ऐसे ही नहीं जाने देने वाले. सो समथिंग डेवलपमेंटल दिखे, इट्स कमिंग टूअर्ड्स यू, आई डू फाइंड लाइक दैट. सो और देख लेते हैं. ओके, आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे देखो यूट्रस का सिंबल आ रहा है. सो बेसिकली अगर आपके प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ है, अगर आपके कुछ इस तरह से इश्यूज हैं, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट सॉल्व. एंड डेफिनेटली आप अपने माँ के भी काफ़ी आभार हो रहोगे, उन्होंने आपको जन्म दिया और उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है. और इस चीज़ को रियलाइज करना टू अ डीप लेवल भी बहुत बड़ा बात है. सो मे बी इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट कि हो सकता है माँ समान किसी को आप अपने ही हो सकता है कि घर में आप रखो और कहीं ना कहीं पे आप उनको हेल्प करें. या हो सकता है इन द फ्यूचर यू विल डू लाइक दैट, ओल्ड एज होम्स में आप जाए, वहाँ पे बुजुर्ग लोगों के लिए आप बहुत कुछ करें, उस तरह से भी दिख रहा है. आई कैन सी अ जेलीबिन, अगेन अ जेलीबिन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि ऐसे ही खूबसूरत होता है, काफ़ी ज़्यादा फिसलता भी है, लेकिन उसको टच करने जाए ना तो वो एक स्टिंग मार देता है. ठीक है, वो स्टिंग पॉइजनस भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा. सो बेसिकली हम कुछ चीज़ें होते हैं हमारी लाइफ में, आगे भी आपके जीवन में ऐसा हो सकता है, कुछ चीज़ें आपके लिए काफ़ी टेम्पटिंग रह सकता है, बहुत खूबसूरत सा, ठीक है, और मज़ेदार सा भी, लेकिन उसके पीछे का स्टोरी जो है वो आपको जान लेना पड़ेगा. ठीक है, सो अदरवाइज यू विल फॉल इन अ ट्रैप. ऑलराइट, अदरवाइज आई कैन सी लाइक दैट आपको कोई भी बेवकूफ तो एटलीस्ट नहीं बना सकते, नॉट एट ऑल. विथ योर इंट्यूशन, विथ योर हायर नॉलेज, कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ यू आर जस्ट गोइंग अप एंड अप एंड अप एंड अप. आपके आपके जो लेवल्स है वो धीरे 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 बढ़ रहे हैं. ओके, सो वट एवर आई सॉ आई टोल्ड यू, नाउ लेट मी गो फॉर द कार्ड्स वेरिफिकेशन. कार्ड्स हम वेरीफाई करते हैं. ओके, हम्म,
सो नाइन ऑफ कप्स, जैसे मैंने आपको कहा कि यस देयर विल बी, देयर विल बी, देयर विल बी योर विश फुलफिलमेंट। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो भी कहा था मैंने। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने आपको कहा था कि मिस्ट्रीज जो है वो अनफोल्ड होगा और कुछ रहस्य के बारे में पता चलेगा, ट्रुथ के बारे में, सच्चाई के बारे में पता चलेगा। शार्प, यू कैन से लाइक यू आर वेरी ब्रिलियंट, यू विल बी लाइक, यू कैन से लाइक दैट, आप इतने इंटेलेक्चुअल बनेंगे, आप इतने इंटेलेक्चुअल ऑलरेडी हो, लेकिन आप और भी स्टडीज़ के द्वारा और हायर लर्निंग के द्वारा आप कभी भी फिसल नहीं जाएंगे और कभी भी अपने ज़िंदगी में गलत डिसीजन तो नहीं लेंगे आप, क्योंकि वो है, क्योंकि आपको हमेशा ही सत्य के बारे में पता चल ही जाएगा। किसी के बैड इंटेंशंस के बारे में भी पता चलेगा, वो भी मुझे दिख रहा है। यू विल हैव योर ओन कमांड ओवर योर बॉडी लैंग्वेज, आपके कम्युनिकेशन, आपके फ्लुएंसी, कहीं ना कहीं पे आपके जो है एक औधा, एक अथॉरिटी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यू कैन बी अ वेरी गुड इंटीरियर डिजाइनर ऑल्सो इन द फ्यूचर, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे। ओके, सो मोर, देखो एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, सो बेसिकली अबंडेंस, ओवरफ्लो, जैसे मैंने आपको बताया था प्रेगनेंसी का वहाँ पे देखा था, यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है फर्टिलिटी, ओवर अबंडेंस, वो आपके ज़िंदगी में डेफिनेटली आ रहा है। एट ऑफ स्टाफ, एट ऑफ वेंट्स, सो डेफिनेटली बहुत जल्द से जल्द इक्वालिटी होगा, जस्टिस होगा। देखो फोर ऑफ वेंट्स, शादी, ठीक है, एक दूसरे का हाथ थामना ही नहीं है, बट कहीं ना कहीं पे उस चीज़ को कमिटमेंट देना, उस चीज़ के ऊपर फोकस करना, उस चीज़ को एक डीपर लेवल पर लेके जाना, बिजनेस लेवल भी अगर है, बिजनेस कमिटमेंट भी अगर है आपका, सो कहीं ना कहीं पे इन द फ्यूचर देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड